वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सुजलॉन एनर्जी स्टॉक की बात की जाए तो आज 6.65 पे क्लोजिंग डे फिर से प्रीवियस क्लोजिंग के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक। यानी कि सुजलॉन एनर्जी स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे एक अच्छी बाइंग साइड पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, बेरिश मूवमेंट देखने को मिल रही है हर रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के अंदर। तो आज की मूवमेंट देखी जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 6.65 पे क्लोजिंग डे ओपन हुआ था गैप अप से। वो गैप अप से ओपन होने के बाद एक 6.75 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट करके नीचे गिरावट देखने को मिलती। और डे एंडिंग में देख सकते हो कि जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसी के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था सुजलॉन एनर्जी स्टॉक। मार्केट कैप भी देख सकते हो 6.43,000 करोड़ का मार्केट कैप है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक का। पिछले 5 दिनों में भी देख सकते हो तकरीबन 6% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, यानी कि बेरिश एंगल दिखाई दे रहा है। तो सुजलॉन का आज के दिन का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 4 करोड़ 30 लाख का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के अंदर। तो देख सकते हो कि तकरीबन आज के दिन का जो डिलीवरी की जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 करोड़ 85 लाख में से टोटल 1 करोड़ 53 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए, यानी कि तकरीबन 40% क्वांटिटी डिलीवरी के लिए चली गई आज जितने भी क्वांटिटी ट्रेडेड किए थे उसमें से। तो सुजलॉन पे चार्ट पे नजर डाली जाए तो हर रोज यहाँ पे नया लो बनाते हुए नीचे जा रहा है सुजलॉन स्टॉक। आज भी देख सकते हो 6.55 का लो बनाया है, तकरीबन देखा जाए तो 6.50 लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर यहाँ पे 6 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट भी हो सकती है तेजी से, क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के लिए।